गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे विच इज़ रन बाय एलकारो करियर इंस्टीट्यूट। तो हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे डेवलपमेंट, तो उसमें हम 2-3 सेशन क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं चलिए आज की क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है पर कैपिटा इनकम हाइट। जो पर कैपिटा इनकम होती है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास में, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, तो पर कैपिटा इनकम आपका हाइड करती है। सबसे पहले एवरेज इनकम को क्या पर कैपिटा हाइड करती है? तो नहीं कर पाती है ऐसा। टोटल पॉपुलेशन को? नहीं जी, नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज का मतलब होता है डिफरेंस, जिनके अंदर क्या होता है डिफरेंस। तो पर कैपिटा इनकम किसको हाइड करती है? डिस्पैरिटीज को पर कैपिटा इनकम हाइड करती है। तो हमें सही आंसर ढूंढते हुए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो करेक्ट जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको साइड करते चलना है। तो क्या होता है, जो करेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है। सेकंड आपको क्वेश्चन है, डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर इज। लैंडलेस मीन्स विदाउट फील्ड, मतलब ऐसे किसान जिनके पास अपने खुद की जमीन नहीं है। तो ऐसे जो किसान होते हैं जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती, ऑब्वियसली उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि ये वो फार्मर होते हैं जो है तो रिच फार्मर के यहाँ पे टाइम टू टाइम, या तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर, इरिगेशन के टाइम पे, या जब जब क्रॉप को शो किया जाता है उस टाइम, तीन टाइम पर इन लोगों को काम दिया जाता है। तो ये लोग तो यही चाहेंगे कि हमें क्या मिले, एक रेगुलर बेसिस पे हमारा काम मिले। तो हाई प्राइसेस ऑफ क्रॉप, ऑब्वियसली ये लोग तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे कि भाई जो क्रॉप की प्राइसेस है वो हाई हो जाए, ये तो इनके लिए नुकसान की बात हो गई है। चीपर लेबर, तो ज़्यादा चीपर होगा तो ऑब्वियसली इनको और काम करने में मुसीबत आ जाएगी। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो एक बेचारे लैंडलेस फार्मर का इस चीज़ से रिलेशन थोड़ा कम समझ में आता है। तो मोर डेज ऑफ वर्क, बिकॉज लैंडलेस फार्मर डू नॉट हैव देयर ओन लैंड, सो बेसिकली दे वर्क ऑन अदर पीपल लैंड फॉर सम टाइम। सो वॉट दे वॉन्ट मोर वर्क, मतलब उनका 365 डेज जो है उनका काम में बीते, सिर्फ उनकी यही इच्छा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? मोर डेज ऑफ वर्क, कि उनको रेगुलर इनकम हो, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीजनल होकर के कैसा हो जाए, रेगुलर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका केरला हैज लो इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन्फेंट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ये है आपका इन्फेंट का मतलब कि न्यू मॉर्टलिटी रेट, बिकॉज इट हैज इन्फेंट मॉर्टलिटी, मतलब जो लोग हैं इन्फेंट बच्चे हैं उनकी जो डेथ रेट है वो बड़ी कम है। रीजन क्या है? हाई मॉर्टलिटी रेट अमंग एल्डरली पीपल, कि जो बड़े लोग हैं उनकी रेट कैसी है, हाई है। या फिर प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कि यहाँ पे भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर लो प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। तो एल्डर का जो इन्फेंट से है वो रिलेशन भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इट इन प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट होती है केरला में। आगे बढ़ते हैं। डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ कंट्री विच इट इन इट्स पॉपुलेशन वी गेट। बिल्कुल, कल मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब हमारे इनकम को जब हम क्या करते हैं पूरी कंट्री के अंदर क्या करते हैं, इसकी पॉपुलेशन के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है हमारी एवरेज इनकम। तो क्या निकल करके आती है? हमारी एवरेज इनकम निकल करके आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एवरेज इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज जल्दीबाजी में हम क्वेश्चन पढ़ना ही भूल जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट, बट हम लोग यही पढ़ते हैं कि हाँ शायद ये डेवलपमेंट के बारे में ही पूछ रहा होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना होता है। तो अब हमें यहाँ उस स्टेटमेंट को टिक करना है जो कि डेवलपमेंट के बारे में क्या है, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले वो स्टेटमेंट देखना है जो कि डेवलपमेंट के बारे में क्या है, ट्रू है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेवलपमेंट। Different people usually have same goals.
ऐसा पॉसिबल है क्या कि जो अलग अलग लोग होंगे उनका सबका गोल कैसा होगा? सेम होगा. नेक्स्ट, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल. ये तो हमने पढ़ा था कि जो अलग लोग हैं उनके गोल भी अलग अलग होते हैं. डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स. ऑब्वियसली उनके ऐसे भी हो सकते हैं कि आपस में लड़ाइयाँ भी हो सकती है. एंड द लास्ट, डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट गोल्स रिगार्डिंग नेशनल डेवलपमेंट. ऑब्वियसली ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है. तो एक सही स्टेटमेंट है, जो नहीं है तो वो ये है कि जो अलग लोग होते हैं उनके सेम गोल्स होते हैं, क्योंकि सब लोगों के गोल्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं. उनकी डेवलपमेंट को लेकर के जो मेंटेलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है. तो फिर जब मेंटेलिटी अलग है तो उनके गोल्स किसी भी कीमत पर सेम नहीं हो सकते. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन काउंटेड इन विच करेंसी. कौन सी करेंसी में हम इसको पर कैपिटा इनकम को काउंट करते हैं? तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका US डॉलर में हम इसको काउंट करते हैं, पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल रेफर टू. इंडिविजुअल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? इंडिविजुअल का मीनिंग हो गया आपका सॉलिडली मीन्स पर पर्सन. हम यहाँ बात कर रहे हैं पर पर्सन की. अकॉर्डिंग टू पर पर्सन जो है इंडिविजुअल क्या है? मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट. इंडिविजुअल में सिर्फ हम सारे डेवलपमेंट की बात करते हैं. ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट होल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. तो हम यहाँ बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट की, किसी भी चीज़ का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है. नेक्स्ट, अमंग हरियाणा, केरला एंड बिहार द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इज बिहार. इट शोज दैट, मतलब अगर आप यहां हम हरियाणा, केरला, बिहार अगर हम लोग हरियाणा, केरला और बिहार के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो जो पर कैपिटा इनकम है सबसे कम कौन से स्टेट की है? बिहार की है. तो ये क्या शो करती है? हमें इसके लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज यहां से करना है. बिहार हैज हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता कि पर कैपिटा इनकम जब सबसे लो है तो हाई स्टैंडर्ड लिविंग तो हो ही नहीं सकता. पीपल आर अर्निंग लेस इन केरला, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता. हम यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार का कोई कॉम्बिनेशन यहाँ चल ही नहीं रहा है. महाराष्ट्र हैज मोर नंबर ऑफ रिच पीपल, तो दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट. एंड ऑन एन एवरेज पीपल इज बिहार हैव लो इनकम, दिस विल बी द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस क्वेश्चन कि जो एवरेज इनकम है बिहार के लोगों की पर कैपिटा इनकम विच इज लो, तो फिर क्या होगा उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, तो HDI जब अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है तो उसका जो बेस होता है वो इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है, सिर्फ हमें ये फाइंड आउट करना है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो ऑब्वियसली लिटरेसी रेट तो एक इंपॉर्टेंट है, कितने लोग पढ़े लिखे कितने लोग नहीं है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड पर कैपिटा इनकम ये भी है. तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट जब अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करती है तो इसको नहीं काउंट करती इन ऑप्शन में. सो देयर विल बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है तो इसको काउंट नहीं किया जाता. लास्ट क्वेश्चन, क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स. पुराने अगर हम लेंगे क्लासिकल व्यू की तरीके से, पुराने तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा कि क्लासिकल व्यू में जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो इंक्लूड क्या होता है? इसका आंसर करना है आप लोगों को और हमारे कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर आपको सेंड करना है. ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.